गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर थर्ड दादी माँ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जी को अपनी इस कहानी के माध्यम से अपने परिवार की उस दादी माँ की यादें कहानी के माध्यम से ताज़ा किए हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों की बड़ी चिंताएं किया करती थी। जब भी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता तो उसकी बहुत देखभाल करती थी, सभी तरह से चिकित्सा से भी, शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाकर भी, उसकी सेवा देखभाल से भी। इसी कारण तो उन्होंने कहानी के फर्स्ट पार्ट में कहा कि पहले के बुखार में आज के बुखार में काफी अंतर आ गया है। पहले जब बुखार आता था तो बड़ी चिंताएं हुआ करती थी, दादी माँ बड़ी देखभाल किया करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, यानी पूरे सभी कामों में उनकी अहमियत रहती, सहभागिता रहती। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर जो ठहरा कि हमारे परिवार में कार्यक्रम का आयोजन है, शादी का आयोजन था, इस कारण बहुत सारे काम थे, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को जो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, स्वयं तो कुछ करती नहीं है, लेकिन सभी कामों में उसकी सहभागिता जरूर रहती है। दादी माँ कुछ करती नहीं पर किसी काम में उसकी अनुपस्थिति वस्तु विलम्ब का कारण बन जाती, यानी उस काम के बारे में दादी से ज़रूर पूछा जाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, मैं शब्द यहाँ राइटर के लिए आया है, शिव प्रसाद सिंह जी के लिए आया है। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, निक्षार बरामदा, बाहरी बरामदे को निक्षार कहा जाता है। दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी क्रोधित, वो बिगड़ना क्रोधित होना। दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, यानी रामी की चाची पर क्रोध प्रकट कर रही थी। इस तरह से कह रही थी, दादी माँ सोने होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, सूद, सूद मीन्स होता है ब्याज, सूद मीन्स क्या होता है, मैं ब्याज के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगते समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी। तो ये सारी बातें दादी माँ किससे कह रही थी, रामी की चाची से कह रही थी, दूंगी मालकिन, ये रामी की चाची के वाक्य हैं। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप ने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चलाए समझाने, तो लेखक को भी लताड़ दिया दादी माँ ने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। कौन से प्रसंग को, रामी के चाची वाले प्रसंग को, कि किस तरह से रामी के चाची को लताड़ा था किसने, दादी माँ ने।
एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, यानी सदैव खुश रहो, सदैव आबाद रहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो विवल होकर, भाव विवल होकर कहा, ऋण हो गई बेटा, ऋण से मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई नहीं हो, देवता है बेटा, देवता किसके लिए देवता कहा गया है, यहाँ दादी माँ के लिए कहा गया है। कौन कह रही है देवता है, रामी की चाची, क्योंकि रामी की चाची की तरफ जो प्याज के पैसे थे, मूल जो पैसे थे, उनको भी पूरी तरह से छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपये का नोट उन्होंने कन्यादान के बतौर दिया। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम ही है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। मैं मनी मन इस तर्क पर हंसते हुए आगे बढ़ गया। किशन की विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं, विवाह की रात तो अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जब शादी का आयोजन होता है, पुत्र की शादी का आयोजन होता है, बारात जब घर से चली जाती है, तो बारात के चले जाने के बाद रात्रि के समय जो औरतें स्वांग का आयोजन करती हैं, खोड़िए का जो आयोजन करती हैं, और उसमें वो सारी कथाएं होती हैं जो शादी के कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रमों में उसी तरह का दूल्हा बनाया जाता है, दुल्हन बनाई जाती है, फेरे दिए जाते हैं, रथ जगा होता है, और पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्यों को उसमें अभिनित किया जाता है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात रात पर गीत गाती हैं, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण रात में नहीं जा सका, मैं बीमार हो जाने के कारण बारात में नहीं जा सका। कौन नहीं गया, राइटर शिव प्रसाद सिंह बारात में नहीं गए थे। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, औरतों ने उस पर आपत्ति की, उस अपने में केवल महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं होते, पुरुषों के होने पर आपत्ति की जाती है। इसी तरह से आपत्ति की गई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है, बच्चे का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए, भंडाफोड़ हो जाए, निकाल कर बाहर किया जाऊँ, पर भाभी की बात पर हंसी रुक नहीं सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना, भेद खुल जाना।